मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004-566-7942739516। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों को दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमन करते हुए ईश्वरीय तत्व के साथ अनुसंधान करने के लिए रोज हम नई नई चीजों के साथ में साधना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बराबर कमर से तट्टार बैठते हुए प्रभु को नमन करते हुए, प्रभु को वंदना करते हुए आइए आदिनाथ परमात्मा बनने का आज हमें वापस एक स्वर्णिम अवसर मिला है। सभी को आवाज बराबर आ रही है? चलो, नमो दीनदानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सहसाहुणम। एषो पंचनमुकारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानं जुसवेशीं परमं हवई मंगलम। जी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राजा जैन धर्मो सुमंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। एक एक उदगल उभरे से त्रुंजा समुझे, रिखव कहे भव क्रोड़ना कर्म कपावे ते। अद्भुत महामंगलकारी दिव्य साधना के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कल से अति पवित्र, अति महाप्रभावशाली दिव्य साधना का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। विश्व भर में से लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आपके भी परिचित जो जो भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग ये अद्भुत भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना सीखें, और जो जो भी लोगों ने नया नया रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सभी के लिए भी कल से पूरी तरह से क्या क्या तैयारियां करनी है, वो सारी बातों को देखते हुए, जानते हुए आज हम काफी सारी अद्भुत चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर के अंदर आप सभी लोगों को जो हमारा एक पेंडिंग विषय रह चुका था, 24 तीर्थंकर भगवान का नाम, एक बराबर ऊपर गाथा लिख लीजिए। और जीवन में अवसर मिले, थोड़े बहुत भी आप पैसा बचा के रखे हैं और आप चाहते हो कि मुझे एक अनुष्ठान करवाना है जिंदगी में, तो अपने गाँव में जो भी मूल नायक भगवान है, उन भगवान की चरित्र कथा, जैसे आपने रामायण सुना है, भगवत सुना है, हिंदू धर्म में कृष्ण कथा सुनी है, उसी प्रकार से शास्त्र वचन में आपको बता रहा हूँ कि आप आपके आपके परिवार के स्नेही स्वजन के आपके गांव के सभी लोगों को यदि पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन कराना चाहते हो, तो ये 24 तीर्थंकर भगवंतों की कथा महा 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 मंगलकारी है। 24 तीर्थंकर भगवंत की कथा का श्रवण करने मात्र से वंदिता सूत्र के अंदर बताया है कि चीर संचीय पाव पणासणी भवसय सहस महणीय, 24 जिन विनग गय कहाई बोलन तुम्हें दीहा। 24 तीर्थंकर भगवान की कथा जो सुनता है, समझता है और लोगों के अंदर कराता है, तो उनको क्या क्या लाभ होते हैं। तो हमने 12वें तीर्थंकर भगवान की अद्भुत आराधना देख ली थी, जान ली थी, समझ ली थी आप सब लोगों ने। इतने सारे लोग, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को वैसे तो 24 तीर्थंकर भगवान का नाम एकदम पक्का बराबर आता है। आरती जी, आपको 24 भगवान का नाम आता है बराबर? अनम्यूट हो जाइए। 24 तीर्थंकर भगवान का नाम आवड़े छे पक्का एकदम? हा या ना? आवड़े छे पक्का? ओके, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम आते हैं, किनको नहीं आते हैं,
और कौन कौन लोगे? संगीता जी चोपड़ा जी, आपको आता है 24 तीर्थंकर भगवान का नाम? वन से लेकर बराबर पक्का? जी गुरु जी, जी पक्का आता है आपको? रोज बोलती हूँ साहेब जी, रोज रोज 24 भगवान का नाम बोलते हो आप? चलो रोज बहुत, पूजा पूजा करती हूँ रोज। वासुकुज जी स्वामी भगवान है हमारे यहाँ, तो पूरे लॉकडाउन में उन्होंने मेरे को बुलाया, सिर्फ हमारे पूरे महेश नगर में से। अस्मिता अस्मिता जी कोठारी, कितने भगवान के नाम आते हैं आपको? इससे लाइन से नहीं, पर लोगस से बोलती हूँ पूरा एक डेली, से 24 भगवान लाइन से आते हैं? लोगस से बोलती हूँ ना डेली, उसमें ओके, 70वें मैं भगवान लोगस से आते सिर्फ। हाँ हैं? 70वें भगवान, 17 नंबर के भगवान कौन से हैं? आप तो मम्मी हो ना, कितने बेटे हैं? शादी हो गई आपकी? तो हाँ, मुझे 3 लड़कियां हैं। अपने को तो कितना जिम्मेदारी है, आपको तीनों बेटियों को सिखाना पड़ेगा। मम्मी जी का ही थोड़ा थोड़ा कच्चा रहेगा तो अपन तीनों बेटियों को कैसे सिखाएंगे? तो हमारा प्रथम लेसन है कि हमें 24 भगवान के नाम आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कहीं से भी पूछा जाए तो हमको आना चाहिए। तो लिख लीजिए कि 13वें भगवान की यदि आप अनंत ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो, क्या करेंगे 13वें भगवान की पूजा को प्राप्ति के लिए, शक्ति के लिए? क्योंकि तो मानसिक जो जो भी डिप्रेशन के लोग आपके पास आए, और मैंने मेरे जीवन काल के अंदर मंत्र शास्त्र के इतने सारे ग्रंथ को देखा पढ़ा जाना, 3 भगवान की महिमा मुझे इतनी पावरफुल लगी, उनके मंत्रों के अंदर प्रभाव आज भी देखने को लिए मिलता है। सबसे पहले जो भगवान है वो संखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, दूसरे नंबर के अंदर भगवान है विमलनाथ भगवान, और 13वें भगवान भाई है विमलनाथ भगवान। जो मानसिक जो भार जिसको रहता है, व्यापार का है, परिवार का है, जिम्मेदारी का है, जो जो भी भार है, वो सारे भार में से आप मुक्त होना चाहते हो तो ओम रीम श्रीम अरहम श्री विमलनाथ स्वामिने नमः। बलसाना महातीर्थ की आप रोज भाव यात्रा करो। आपके गांव में आपके संघ के देरासर के अंदर विमलनाथ भगवान है तो ग्रीन कलर का मरवा, डिप्रेशन का कोई भी व्यक्ति शिकार हो चुका है और आप चाहते हो कि वो व्यक्ति प्रसन्न रहे, सदा बहार रहे, कोई गुजर गया है, किसी ने अपने अपने आप अपने आपको खोया है, कोई भी अपने व्यक्ति को, और उसको प्रसन्नता से आप देखना चाहते हो, तो उस वक्त आपको विमलनाथ भगवान का ध्यान, विमलनाथ भगवान की भक्ति विशेष 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 लाभ करेगी। 14वें नंबर के भगवान है अनंतनाथ भगवान। कभी कभी जीवन के अंदर हम भक्तामर हीलिंग की इतनी सारी बातें करते हैं, तो भक्तामर हीलिंग सकारात्मक शक्ति है, तो ब्रह्मांड के अंदर सभी प्रकार की, जैसे जो पॉजिटिव सकारात्मक चीजें भी होती हैं और नकारात्मक चीजें भी होती हैं, तो कोई लड़का है लड़की है व्यसनों के अंदर अलग अलग चीजों के अंदर फंस गया है, जो भी व्यक्ति गुप्त शक्तियों के अंदर फंस चुका है, अनंतनाथ भगवान क्या करेंगे? भगवान नंबर 14 तो के तामसिक अतिशय क्रोधी इंसान को आप शांत बनाना चाहते हो। आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं वो ऐसा अद्भुत मेडिटेशन है कि जिसके अंदर सामने वाले को बिना बताए भी आप आपकी ऊर्जा उसके अंदर डाल सकते हो, ऐसी अद्भुत धुन के साथ में, वो चाहे शरीर है चाहे जड़ चीज है, उसमें भी चैतन्य शक्ति ला सकते हो। क्योंकि ओम रीम श्रीम अनंतनाथाय नमो नमः, ओम रीम श्रीम अरहम श्री अनंतनाथाय नमः। क्योंकि तामसिक अतिशय क्रोधी को शांत बनाना है, नकारात्मक चीजें प्रचुर मात्रा के अंदर उसके अंदर भरी हुई है, ब्लैक मैजिक सीखता है, गंदी गंदी चीजों को देखता है, गंदी गंदी चीजें बोलता रहता है, अब इरिटेट हो चुके हैं, उसको सुधार सुधार करके, बेटा है बहू है लड़कियां हैं लड़की है पति देव है, शराब पीता है, गुटखा हद से ज्यादा खाता है, छोड़ नहीं रहा है, व्यसन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे? तो कि ऐसी तामसिक वृत्तियों को मुक्त कराने के लिए भगवान 14 में अनंतनाथ परमात्मा की ऊर्जा इसमें विशेष 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 लाभ करती है। 15वें नंबर के अंदर धर्मनाथ भगवान। अब समय आ गया है मौसम, खेडूत के लिए खेती करने का और भक्त के लिए भगवान को रिझाने का। कौन सा मौसम आ रहा है? आसो सुदी पूनम, गुरु पूर्णिमा, चातुर्मास, रिम जिम रिम जिम रिम जिम, पानी जैसे बरसेगा, आकाश में खेडूत देख करके प्रसन्न हो जाएगा, और भक्तामर के भक्त अभी क्या होंगे कि चातुर्मास आया,
ज्यादा से ज्यादा मैं व्रत करूं, नियम करूं, कचखान लू, तपस्या करूं, दान करूं, भक्ति करूं, क्षमा भाव को करूं, और कुछ भी नहीं करूं तो कम से कम 4 महीना प्रसन्न रहूं। इतना कर सकते हो सब लोग? हंसी मजाक वाला एकदम नेचर, खुश दिशा वाला नेचर। क्योंकि खास करके धर्मनाथ भगवान जिनको अट्ठाई करनी है, जिनको बड़ी बड़ी तपस्या करनी है, जिनको व्रत लेने हैं, जिनको नियम लेने हैं, उन सभी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भगवान है तो धर्मनाथ भगवान। ओम रीम श्रीम हर हम श्री धर्मनाथाय नमो नमः। तो क्या करेंगे? तो के व्रत के अंदर, नियम के अंदर, धर्म के अंदर और धर्म की परीक्षा के अंदर 4 लाइन बराबर लिख लीजिए। कभी कभी आपको बाहर से धर्म दिखेगा लेकिन वो रियल धर्म है या नहीं, इतना आडंबर आपको दिखेगा, आप प्रभावित हो जाओगे, अचंभ हो जाओगे। तो के मूल जो धर्म है, दान, शील, तप, भाव, क्षमा, प्रेम, मैत्री, कषाय आदि का दमन, तो के धर्म की आप परीक्षा कर पाओगे और सही धर्म को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोगों को नौकर सी चोबियार करना है, बहुत सारे लोगों को परवाधिराज परिश्रम में अच्छा ही करना है, बहुत सारे लोगों को आईएमबेल करना है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर साथ दे रहा है तो जुस्सा नहीं हो रहा है यार, सुबह में उठ के चलो योगा करते हैं, सुबह में उठ के खुले पैर भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो क्योंकि वो उत्साह का निर्माण करना है। तो वहां पर आपको 15वें नंबर का जो मंत्र है धर्मनाथ भगवान का, और धर्म की रक्षा के लिए आप ये इतना सारा भक्तामर जो सीख रहे हो, खाली रोज आप क्लास में आकर के बैठते हो, रोज आप हमारे वीडियो को शेयर भी करते हो, तो उसमें भी आपको धर्म रक्षा का पुण्य मिलता है। हमारे सैकड़ों भगत ऐसे हैं कि उनका काम एक ही है, जैसे ही फेसबुक पे वीडियो आया, जैसे यूट्यूब पर आया, जैसे व्हाट्सएप में आया, 2-5-10 ग्रुप में डाल दिया। ये ज्ञान को बचाने का भी कर्तव्य हमें ही करना है। हम हजारों चीजें ऐसे बिना काम की फॉरवर्ड करते रहते हैं, ये तो सम्यक ज्ञान है, तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान है, और ये भगवान की कथा सुन करके एक वाक्य भी किसी को पसंद आ गया तो आपके एक वीडियो शेयरिंग से वो माला भी किसका करने वाला है। ओम रीम श्रीम अरहम श्री धर्मनाथाय नमो नमः। तो के धर्म की रक्षा करने के लिए भी हमें खास करके धर्मनाथ भगवान की मंत्र जाप आराधना करनी चाहिए। 16वें शांतिनाथ भगवान, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग दवाइयों से शांति चाहते हैं, राह नहीं मिल रहा है, तो शांतिनाथ भगवान का, तो जब मैं बहुत, मेरा स्टार्टिंग था पंडित जी बन करके निकला था, मैं नवरत्न सागर सूरी माता जी के साथ में जब रहता था, वो शांतिनाथ भगवान के बहुत जबरदस्त भक्त थे। भोपावर के अंदर अभी अभी जिनकी प्रतिष्ठा हुई, और वो बार 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 बोलते थे, तन में शांति, मन में शांति, देश नगर घर घर में शांति को देने वाले हे शांतिनाथ भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। खास करके आपको ये बोल देना है क्योंकि रोगादि जन्य अशांति को दूर करता है, जो तरफड़ता है, जो वेंटिलेटर के ऊपर है, कभी भी आपको पता चले कि भाई ये व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर है, उसको हीलिंग देने फिर मत देखना, क्योंकि अभी उनका क्रिटिकल अंतिम समय है। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा ओम रीम श्रीम अरहम श्री शांतिनाथाय नमो नमः, ओम रीम श्रीम अरहम श्री शांतिनाथाय नमो नमः, ओम रीम श्रीम अरहम श्री शांतिनाथाय नमो नमः। तो इस प्रकार से रोग मुक्ति के लिए, स्वस्थता की प्राप्ति के लिए और शांति मिले। कितनी सारी हजारों केस स्टडी हम लोग कर रहे हैं, हजारों लोग जो मर गए हैं, वो ज्यादातर लोग आड़ोस पड़ोस आईसीयू में हो, अलग अलग जगह पे हो, कहीं पर ऑक्सीजन फूटा पास वाले का हो, लेकिन भाई उसके अंदर घुस जाए, अरे मेरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो वहां ही हार्ट फट जाए, वो इंसान मर जाता था। छोटी सी शरीर में गांठ आ जाए, बस एक ही भय, गांठ आई नहीं कैंसर, गांठ आई नहीं कैंसर। तो ऐसे कोई भी रोग आपको छोटा दिख रहा है या रोग के लक्षण दिख रहे हैं, उसी दिन से आपको प्रभु शांतिनाथ परमात्मा के शरण में चले जाना है। आपको आगे की पूर्णतः सुरक्षा कवच, पूर्णतः मार्गदर्शन और पूरी तरह शरीर की संरचना प्रभु की दिव्य कृपा से हो जाएगी। अब आते हैं कुंतुनाथ भगवान।
कुंतुनाथ भगवान, वर्तमान समय में वैसे तो सब जगह गुजरात में महाराष्ट्र में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन दक्षिण के कुछ प्रांत के अंदर कुछ न कुछ अभी भी लॉकडाउन है, थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता आदि में। तो के वायरस के लिए, पंथुआ के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पोषक होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो घातक होते हैं। लोई के अंदर भी रेड और वाइट बैक्टीरिया होते हैं। तो कभी कभी कोई बैक्टीरिया हमारे जीवन को नष्ट न करे। पहले नंबर के अंदर सभी लोग लिख दीजिए जो हीलिंग करते हैं, जो हीलिंग सीखते हैं, जो हीलिंग आगे सीखने वाले हैं। मेरे शरीर के अंदर रोग तभी आते हैं जब भी हमारे जीवन में असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। सोनल में असाता वेदनीय कर्म नो उदय कर्म बंद के विरुद्ध था है? असाता वेदनीय कर्म बंधाई केवी रीते? एक इंद्रियानी जीवनी हिंसा थी। आ लोगों ने बाल जीवन एकदम डीप थी समझाओ। असाता वेदनीय कर्म थी आ लोगों ने बचवू हो तो शुद्ध ध्यान रखवानु आखा दिवस मा। मैक्सिमम एक इंद्रिय जीवन ने बचानी, पानी ना जीव, अग्नि ना जीव, वायु ना जीव, वनस्पति ना जीव, एनी जेटली भी आपणे काळजी करिए एटला आपणे बची सके असाता वेदनीय थी। समझ में आ गया सभी लोगों को के नहीं आया? बहुत हमारे सोनल बेन इतने ज्ञानी हैं, कई सारे इन्होंने ग्रंथ पढ़े लिखे हैं। तो बात इतनी सरल बातों में कि यदि पंखे के बगैर एसी के बगैर आप नहीं रह सकते हो, पर जरूरी है। यदि एक पंखा एक रूम में चल रहा है, सटक जाके दूसरे रूम में जाके एसी चालू कर दिया, लाखों अग्निकाय जीवों की हिंसा सटक करके हो जाती है। तो पानी नहाने के लिए गए, आपकी इच्छा है दो बाल्टी से नहाना, दो बाल्टी से नहाओ, पहले तो कम से कम पानी से नहाना चाहिए। पर पानी की हिंसा बचाइए, जो आप भोजन कर रहे हो उसके अंदर भी जो हिंसा जितनी कम कर सको, तब ही आपको वेदना नहीं होगी। आपको वेदना हो रही है, जिस चीज की हो रही है उस चीज का अगले जन्म में आपने कोई ना कोई रूप से विराधना की है, इसीलिए असाता वेदनीय कर्म उदय में आता है और आपको भुगतना पड़ता है। तो अभी भी आपको लग रहा है कि आपकी सोसाइटी में वापस किसी को हो गया, रोग हो गया, चारों तरफ अभी भी कोई वापस फोन में, अभी तो सब खत्म हो गया फिर भी बात ये करता है, तो उन सभी लोगों को बोल दीजिए कि भाग्यशाली आप और कुछ करो या ना करो, सिर्फ तीन बार ओम रीम श्रीम और हम श्री कुंतुनाथाय नमो नमः। तो कि जितने भी ये विषाणु है, जितने भी ये नकारात्मक चीजें हैं वो सकारात्मक हो जाए। प्रभु जी नंबर 18 अरनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, क्योंकि अरनाथ भगवान जो है वो दुश्मनावट को दूर करते हैं। शीतल बेन आपके कितने दुश्मन है? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। कितने दुश्मन है? पता नहीं गुरुजी। नहीं तो भी एक दो चार है जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या कभी कभी उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है? नहीं मुझे तो नहीं आता, पर आता है दूसरे लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा। क्यों? वो फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से वो लोग ऐसे गुस्सा होके बैठ गए। अच्छा, वो आपको पता चले तो आप उसका रिएक्ट कैसे करते हो? जैसे आपने कोई गलती तो की नहीं है फिर भी आपको क्या बोलते हैं, बिना काम को फंसाने की कोशिश करते हैं और आपको वो चीज पता चल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं गुरुजी, मैं शांत हो जाती हूँ, जो होगा देखेंगे करके बस। रियल में मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ, बस शांत हो जाती हूँ। बस ऐसे ये जो जवाब आया है ना, वैसा जवाब हर भक्तामर इनर का आना चाहिए। आपकी गलती हो और सामने वाला डांटे हो तो नॉर्मल चीज है, नहीं गलती है फिर भी आपको निशाना बनाया जाए, आपको टारगेट बनाया जाए, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर जाए और उस वक्त आप आपकी मनोदशा के ऊपर सरल रूप से जी लेते हो, तब ही आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ भक्तामर हीलर हो। छोटी छोटी चीजों में काम क्रोध भड़क जाते, मुझे क्यों बोल सकता है सामने वाला, तो आपने अभी तक कुछ प्राप्ति नहीं किया है। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे अद्भुत शीतल बहन के जिन्होंने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नहीं कर सकते, कुछ कुछ लोग नहीं कर सकते, तो अभी आज से करना कैसे शुरुआत करेंगे?
क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवंतों में से हमारे खास अरनाथ भगवान है, वो दुश्मनावत और दुश्मन दोनों चीज अलग अलग है। कभी कभी आप किसी को माफ कर देते हो लेकिन वो व्यक्ति आपको दिमाग में भर करके ही रखता है कि मौका आएगा बाद में इसको दुखा दूंगा, और आप चाहते हो कि यार उसके हृदय में से दुष्पनावट अब खत्म हो जाए, मिच्छा में उत्क्रम कर लिया है, उसको पैसा चाहिए तो पैसा दे दिया है, उसके साथ जो वो बोले वो करने के लिए तैयार है, बस खाली वो झुक जाए। क्योंकि ऐसा भाव को आप समाप्त करना चाहते हो, जहर किसी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। अब तीन दोस्त थे, दो दोस्त अलग हो गए और वो अपना खास दोस्त था, उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया, अपनी दोस्ती तोड़ दी। आप उस दोस्त के साथ वापस दोस्ती करना भी चाहते हो और पूरी तरह से उनके दिमाग में जो दुश्मनावट भर चुकी है उसको रिमूव करना चाहते हो, तो ओम रीम श्रीम अरहम श्री अरनाथाय नमो नमः। मल्लीनाथ भगवान, देखिए हर चीजों के दो पहलू रहते हैं, अच्छा और बुरा। इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ यदि व्यक्ति यदि कोई है, सबसे उत्तम और वंदनीय कोई तत्व है, तो वो तत्व है स्त्री तत्व, माता तत्व, बहन तत्व, पत्नी तत्व। लेडीज जो है वो जैन शासन का आधार है। सात क्षेत्र, जिनागम, जिन मंदिर, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, तो श्राविका एक ऐसी है कि साते सात क्षेत्र को परिवहन करती है। सामायिक करना है, क्लास करना है, समर्पण करना है, दौड़ना है। लेकिन एक चीज याद रखना कि श्राविका क्यों बनती है, महिला बनने का जबरदस्त लाभ भी है। श्राद्ध विधि आदि अलग अलग उत्तम ग्रंथों के अंदर बताया है कि जो एक घर के अंदर उत्तम कोटि की महिला आ जाती है उस घर स्वर्ग बन जाता है, और एक नकारात्मक व्यक्ति घर में आ जाती है वह पूरा बनाया बनाया घर का पानी फिसल जाता है। तो कि हम स्त्री कैसे बने, तो कि हमने धर्म क्रिया बहुत अच्छी की, प्रतिक्रमण अच्छे किए, वंदना अच्छी की, सब कुछ अच्छा किया। मल्लीनाथ भगवान का पूरा जो जीवन चरित्र है वो प्रत्येक महिलाओं को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोनों राजकुमार थे, सेठ थे, उन्होंने दीक्षा ले ली। धर्म भी जो अभी आप करते हो, अपने धर्म में भी क्या लिखा है कि नाम का मोह नहीं करना है, गुप्त दान करना है। धर्म के अंदर माया शल्य, माया यानी मन के अंदर कुछ और है, जीव के अंदर कुछ और है, हम काया कुछ और कर रहे हैं, तो वो धर्म हमें कभी भी मोक्ष दे सकता नहीं है, संसार की अभिवृद्धि करेगा। मल्लीनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली और दीक्षा के अंदर उनके साथ सेठ के, सिपाहियों के, अलग अलग सब लड़कों ने दीक्षा ली, लेकिन मन के अंदर भाव आया कि हम सब एक जैसे रहेंगे तो कैसे मेरी वैल्यू होगी। सेठ का बेटा है, उनको भी लोग रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, मैं राजा का बेटा हूं, मुझे भी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, दीक्षा भी हमने सब साथ में ले ली, हम एक जैसे ही तप करेंगे तो मैं जो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए वो एक मर्यादा नहीं होगी। और वो मन के अंदर भाव चलते रहे। सब लोगों ने उपवास का पचखान किया, राजकुमार ने भी किया, सेठ के ने किया, वही भाव कि मैं थोड़ा सा ऊपर कैसे रहूं। नवकारसी का पचकार दूसरे दिन का था, सब लोग मंदिर जाके आ गए, माया हम कैसे करते हैं और उसके कारण हम कितनी सारी अनंत ऊर्जा को गवा देते हैं। मल्लीनाथ भगवान स्त्री तीर्थंकर कैसे बने, और आप लोग भी जो स्त्री बने हैं क्यों स्त्री बने, आप क्यों पुरुष नहीं बन सके, तो कौन से भाव में हमसे थोड़ा सा हम पीछे रह गए। और यदि अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो तो अगले कई जन्म आपको स्त्री के ही लेने पड़ेंगे। सुबह में सारे दोस्तों जो मार्से जी बन गए थे, चलो अपन नवकारसी का पाना करते हैं, लेकिन मल्लीनाथ भगवान के जीव ने बोला नहीं 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 अभी तो मुझे मंदिर जाना बाकी है, आप एक काम करो आप पाना कर लो। तो बोले नहीं नहीं अपन दीक्षा साथ में लिए, पक्के दोस्त है, पाना तो साथ में ही करेंगे। बहुत मनाया, 10 बजे चलो पोर्सी आ गई, अब पाना कर लेते हैं। वो बोले नहीं 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 मुझे तो 60 पोर्सी 12 बजे के बाद करूंगा। तो कैसे भी करके वो बाकी सब साधु भगवंतों की स्थिति अपने शरीर के हिसाब से थी, बाकी सब लोगों ने पारणा कर लिया, लेकिन इन्होंने लंबे समय तक दोपहर का 12 बजे चलो अब तो पारणा कर लीजिए, 12 बज गए। बोले नहीं मैं तो 3 बजे अवध के पचखान से करूंगा, 3 बज गए। और बोले 3 बजे तक कुछ खाना नहीं खाया, आज भी मेरी शक्ति शरीर सपोर्ट कर रहा है, मैं उपवास कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से माया के साथ
ये जो उपवास का उनको लाभ मिलेगा, लेकिन मन में क्या भाव था कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो ही उपवास करेंगे और मैं भी उपवास करूंगा तो हम सिमरल रहेंगे। तो माया के साथ महिला तत्व, महिला के योनि कैसे मिलती हैं कि हम कभी कभी हमारे मन में कुछ और होता है और बोलते कुछ और है। तो एक भी क्रिया में तीन चीज नहीं आनी चाहिए। पहले नंबर में जो है वो ही बोलना, दूसरे नंबर के अंदर कभी भी नियाड़ा नहीं करना। नियाड़ा का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने इतने भक्तांबर गिने तो भक्तांबर के प्रभाव से मुझे मकान मिले, भक्तांबर के प्रभाव से मुझे बंगला मिले, भक्तांबर के प्रभाव से मुझे पैसा मिले, भक्तांबर, क्योंकि एक भक्तांबर की ताकत अनंत शक्ति को देने वाली है। आपका मकान करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ का होगा, आपने संकल्प किया भक्तांबर के प्रभाव से मेरे बेटे की शादी, ये तो विषम परिस्थिति चल रही है, हड़ाहड़ कलयुग चल रहा है, इसके लिए भक्तांबर की भक्ति के साथ साथ में हमें बताना पड़ रहा है कि भक्तांबर गिनो तो आपकी शादी होगी, भक्तांबर गिनो तो आपके रोग भागेंगे। भक्तांबर, एक भक्तांबर की 41वीं गाथा का प्रभाव इतना जबरदस्त है, ना जन्म और ना मरण, अनंत भवों के रोगों को नाश करने का सामर्थ्य सिर्फ एक भक्तांबर की गाथा के अंदर है। पर हम बाल जीव है तो बाल जीवों को अभी छोटी छोटी चीजों से पहले आप गिनना शुरू करेंगे। पहला भक्तांबर भी हम जानते थे, हमको आदिनाथ भगवान भी पता था, लेकिन एक साल तक घुटते रहे, घुटते रहे, घुटते रहे। अब हम जब आदिनाथ भगवान को देखेंगे और उस वक्त जो भाव आएगा वो भाव शायद हमने आज तक जिंदगी में कभी प्रकट नहीं किया होगा। तो हमारी बात चल रही थी कि माया के साथ में धर्म नहीं करना है, दूसरे नंबर में नियाणा के साथ में प्रभु सगड़ू तनी सोपी दीदू आदिनाथ भगवान रे। बहुत सरल प्रार्थना है, प्रभु तुझे जो अच्छा लगे वही तुझे करना है, और उसके अंदर जो भाव आएगा भगवत भक्ति का, प्रतिपल प्रकृति आपकी मुस्कान ही चाहती है प्रतिपल, लेकिन जब आप मांग लेते हो, जब मैं आ जाता हूं, मेरी जिंदगी का निर्णय मैं करूंगा, तब महाविनाश है। मेरी जिंदगी का प्रत्येक निर्णय मेरे प्रभु करेंगे, तब आपका विकास है। दो लाइन बराबर समझ लेना, हृदय में लिख लेना, मेरा काम मैं करूं, मेरा निर्णय मैं लूं, उसमें महाविनाश है, महादर्द है, तकलीफ है, हताशा है, निराशा है, टूटना है, झुकना है। मेरा सर्वस्व निर्णय भक्तांबर करेगा, मेरा सर्वस्व निर्णय प्रभु करेगा, हमेशा आपकी झोली बरकरार है। तो हमने समझा माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्यात्व शल्य, ये बहुत बड़ी बात है। सभी धर्म बहुत बढ़िया है, बड़े अक्षरों के अंदर लिख दीजिए कि सभी धर्म महान है। सभी धर्म की जो जो भी प्रणालिका है वो अच्छी है, लेकिन मुझे जो मेरे जन्म से मिला है, मुझे जो मेरे माता पिता ने सिखाया है वो सर्वोपरि है। मिथ्यात्व समकीति बनना है तो समकीति का मतलब ये नहीं है कि हिंदू खराब है, दरबार खराब है, सभी धर्म अच्छे, सभी धर्म के अंदर जो जो भी व्यवस्था है उनके हिसाब से वो सब बराबर है, लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे मेरे महावीर ने नियाणूं नहीं करवानू पछी शू, ओके, नियाणूं नहीं करवानू। एना पछीनो तीजो पॉइंट छे मिथ्यात्व शल्य। इतने सारे लोग बैठे, किसी को मुपति के बोल आते हैं, रूपलबेन मुपति ना बोल आवड़े छे, मुपति ना बोल कोने आवड़े छे, 50 मुपति ना बोल, ઇના બેન ઈ તો અમારા બહુ જ હોશિયાર છે, એના સિવાય બીજા કોઈ પાછળ મુપતિ કે બોલ સોનલ બેન ને આવડે છે, વિમલા બેન અચ્છા ઓકે, મીના બેન ગાંધી બહુ સરસ, કિતને આતે હૈ દીપિકા જી સા, મીના બેન ગાંધી અનમ્યુટ થઈ જાઓ, હા બધા જ આવડે છે, 40 લેડીઝ ને જે લેડીઝ ના 40 સંભળાઈ દો, ચલો સૂત્ર અર્થ તત્વ પરિષદો સમ્યક્તમોને મિશ્રમોને મિથ્યાત્વ પણમોન્ય પર્યો કામરાગ નૈરાગ્ય કષ્ટરાગ પર્યરું સુદેવ સુગુરુ સુધર્મા દ્રુપુદેવ કુગુરુ કુધર્મ પર્યરું
मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्तियाद मंडन वचन दन काय दन परिहरु मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति परिहरु हास्य रति क्रोध मान परि माया लोक परिहरु हास्य रति परिहरु रसगारो रुचिकारो साताकारो परिहरु કઈ વાંધો નહીં પણ બહુ સારું એકવાર જોરદાર તાલી સાથે આખું જૈન શાસન એક બહોત મેં સરળ રૂપ સે આપકો બતાના ચાહતા હું કમ સે કમ યે જબ આપ અભી ચાતુર્માસ શરૂ હો તો એક ખાલી મુપતિ કે મહિલાઓ કે 40 બોલ હોતે મહિલાઓ કે 40 હોતે ને હમારા પુરુષો કે 50 હોતે હૈ મહિલાઓ કે 40 બોલ હોતે હૈ ઓ ઉસકે અંદર પૂરા જૈન શાસન ઓર ઉની કે તીન બોલ હૈ કે માયા શલ્ય नियान शल्य और मिथ्या स्वशल्य परिहरु तो कि माया के साथ मन में अलग नहीं रखूंगा बोलूंगा अलग नहीं और मिथ्यात्व का सेवन तो जब हमें इतना अनमोल जैन धर्म मिल चुका है जैन धर्म के अंदर क्या नहीं है तो हमें इधर उधर भटकना नहीं है किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया किसी के शरीर में कुछ आते हैं किसी के शरीर में कुछ आते हैं इधर भागो उधर भागो देवी देवताओं के पीछे भागो हरिहंते शरणम गच्छामि जो मुझे 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति से नहीं मिल सकता है वो ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है सभी लोग बड़े अक्षरों में आप लिख लो जो कार्य 24 तीर्थंकर भगवंत के मंत्र जाप से नहीं होंगे वो ना धर्णेन्द्र देव कर सकते हैं ना पद्मावती मैया कर सकती है ना नाकोड़ा भेरू जी कर सकते हैं ब्रह्मांड के कोई नहीं कर सकते हैं तो मुख्य जो लक्ष्य है तीन बात सोते बैठते उठते ये काव्य आपको लिखना है आगे के क्लास में मैं आपको लिखा दूंगा रात को जब भी आप नौकार मंत्र गिन रहे हो धर्म चर्चा कर रहे हो तो सोने से पहले ये तीन वाक्य बोल के सोना है अरिहंतो महादेवो आपके भगवान कौन है अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो साधु नहीं सुसाधु क्या बोला है यहां पर जो व्यक्ति पंच महाव्रत का पालन करे वैसे मेरे सदगुरु हैं तो के भगवान मेरे कौन है तो अरिहंत मेरे भगवान है 24 तीर्थंकर परमात्मा 20 विहरमान ही मेरे भगवान है ये मेरा जो मस्तक है वो कहां पर झुकेगा कहां पर झुकेगा इधर उधर सब जगह पे वस्तुपाल और तेजपाल का पूरा दृष्टांत आता है कि पूरे परिवार के अंदर आनंद के लिए मंगल के लिए उनके पास हिंदू लोग आए उनके पास मुसलमान लोग आए तो उनके लिए मस्जिदें भी बना कर दी है लेकिन मर्यादा इस मस्तक कहां झुकेगा हम बिजनेस पूरी दुनिया के साथ में कर सकते हैं लेकिन एक पारिवारिक जो नाता है एक हमारे हृदय में जो रिस्पेक्ट है ओनली फॉर 24 तीर्थंकर भगवान के ऊपर ही होना चाहिए यदि आपको मंदिर के अंदर अब बड़ी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मंदिर में आप प्रवेश किया भगवान का दर्शन किया वो सारा दर्शन करते करते तीर्थंकर भगवान का दर्शन करने में आपको 5-7 मिनट लगता है और जैसे ही आप बाहर आते हो बाहर मणिभद्र जी है पद्मावती है उनके पास खड़े रहकर यदि आपको 10 मिनट होती है वो सारी भगवान की पूजा भक्ति ऊर्जा पूरी तरह से शून्य हो जाती है फिर से समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं भगवान के पास 5 मिनट और नाकोड़ा भैरव जी के सामने खड़े रह गए भैरव वीर सदा सुखदाई भैरव जी की 40 पढ़ने लग गए धूप करने लग गए धरोधर तीर्थंकर भगवंत की भयंकर आसाधना और इसी के कारण ऐसे हजारों लोग हैं जो तीर्थंकर भगवान को छोड़ करके देवी देवताओं के पीछे पागल हुए हैं उन सभी का नजारा 5 साल से 10 साल और पीछे वो इतने फटकते हैं इतनी उनकी जिंदगी के अंदर बर्बादी होती है इतना पैसा आकर के बेटा अधर्म के अंदर चला जाता है क्योंकि पैसा आ जाएगा पद्मावती माता की भक्ति से पैसा आ जाएगा लेकिन सन्मति मात्र तीर्थंकर भगवान की भक्ति से मिलेगी उस पैसे का कैसे उपयोग करना धर्म में लगाना या एंजॉयमेंट करना वो सन्मति वो विचार वो उन्माद के अंदर शेयर बाजार के लिए नियम लेंगे कि शेयर बाजार में 100 करोड़ कमाऊंगा 2 करोड़ भैरू जी के चरणों में चढ़ा दूंगा तो 100 करोड़ रुपया आपकी बर्बादी नोतरेंगे
लेकिन पुण्य श्रावक जितना के 200 रुपया ही कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा, लेकिन 24 घंटे तक मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए। 200 रुपया ही कमाऊंगा, शरीर में दवाइयां नहीं डालूंगा। वैसे हजारों शेयर बाजार के किंग बैठे हैं, इतनी दवाइयां खा रहे हैं, इतने दुखी हैं, बेटों से परेशान से, ऐसे ऐसे हमारे पास केसेस आ रहे हैं, करोड़ों अधिपति, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़ का मालिक, और उसका बेटा ड्रग्स के अंदर फंस गया है। ड्रग्स के इंजेक्शन जब तक वो नहीं ले तब तक घर के अंदर शांति नहीं रखे, और वो करोड़ों पति बाप उसके बेटे के सामने बकरी बन करके झुकता है कि बेटा तू शांत हो जा, हम जैन हैं, हमें ये नहीं खाना चाहिए, तू छोड़ दे। और बड़ा भड़ जो भी चीज हाथ में आया, कभी टीवी फोड़ देता है, कभी 25,000 का मोबाइल फेंक देता है। बंबई का सत्य प्रसंग, अपने भक्तामर हिलर की दोस्त का लड़का, उसकी बहन ने एक ही दिन के अंदर बर्थडे के लिए उन्होंने ओडी गाड़ी बुक कराई। ये कुसंगत से अचानक जो पैसा आता है, अति से पैसा कितना नुकसान करता है। बहन ने गाड़ी लिया और भाई ने बोला मुझे भी गाड़ी चाहिए। एक ही दिन में 70-80 लाख रुपए की गाड़ी। पिता ने बोला अभी अभी 80 लाख रुपए की गाड़ी अपन लेकर आए और घर में 3-4 गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई है, तुझे क्या, तुझे अभी तो लिया है 3-4-5 महीने पहले। बहन ने आज गाड़ी लिया तो मुझे आज ही मर्सिडीज लेना है। पापा ने बोला कि नहीं दिलाऊंगा। हाथ में आईफोन 11 1-1.25 लाख रुपए का फोन चटाक करके फेंक दिया। 1-1.25 लाख रुपए का फोन टूट जाना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फोन नहीं टूटता है उस वक्त, वो पिता टूट जाता है। क्या ये मेरे संस्कार हैं? इतनी गाड़ियां, इतनी शोहरत, इतनी लग्जूरियस आइटम देने के बाद मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ कि बेटा तुझे अभी नहीं लेना है, और वो व्यक्ति हाथ की कोई भी चीज फेंक सकता है। तो खास करके तीर्थंकर भगवंत की ही विशेष उपासना करो, जिससे आप जिंदगी जिंदा दिली से जी पाओगे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की साधना, हमारी बात चल रही थी माया शल्य, नियाण शल्य और मिथ्या शल्य, तीन लिख लिया आपने तो पहले कोशिश करना कि चतुर्मास के पहले मुपत्तिका 40 बोल लिखना, समझना, चिंतन करना, मनन करना। तो के मल्लीनाथ भगवान दुर्गुणों को, पाप को, उपद्रव क्यारी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको धमकी देता है, बिना काम की धमकी देता है, सुता पहला सु चर्चा करवानी। हाँ, अरिहंतो महादेवो, अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो। अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव है। पंच महाव्रत का पालन आज भले ही आप मेरे पास पढ़ रहे हो, लेकिन आपके जो गुरु है वो तो पंच महाव्रत धारी और शुद्ध संयमी ही होने चाहिए। अभी उपाश्रय नहीं चल रहे, पाठशाला सारी बंद है, और एक अपन दोनों से सभी लोगों से एक लगाव हो गया है, लेकिन लक्ष्य तो यही रखना है कि जैसे ही उपाश्रय चालू हो तो हम सभी को कहाँ जाना है, सुसाहुणो गुरुणो, भगवान की आज्ञा के पालन करने वाले सदगुरु के पास। जिन पन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गयम, जिन्होंने उपदान किया होगा तो संथारा पोर्सी का यह अद्भुत सूत्र है। जागृति में उपदान करू छे कि नहीं? નથી કર્યું ક્યારે? ઈચ્છા નથી થતી કરવાની? અરે બહુ જ થાય છે કરવાની, કરાવવાની બંને, કરવાની તો પહેલા ઈચ્છા થાય છે, કરવાની તો, કરાવવાની તો જ્યારે થશે ત્યારે, કરવાની તો બહુ જ ઈચ્છા છે. કયા કયા ગુરુદેવ સાથે અમારો પરિચયમાં છો વિશેષ? પંડિત ગુરુજી સાથે વધારે. પંડિત માસ્ટર તેમ તો દર વર્ષે કરાવે છે? ના, પણ મારા હવે શરીરથી લાચાર થઈ ગઈ છું, મને લંગ્સ નો પ્રોબ્લેમ છે ને, તો મને એમ થાય કે થશે કે નહીં. અને હવે કરવાનું છે આપણે મુંબઈમાં છે, કરવું છે. હા, પંડિત માસ્ટર તો મુંબઈમાં જ છે ને? મુંબઈમાં જ છે. ઉપદાન કોને કોને કરેલું? ચલો ખૂબ ખૂબ અનુમોદન જાગૃતિ બેન ના, જલ્દી જલ્દી ઉપદાન પૂરા થાય. વિમલાજીને, વિમલાબેને ઉપદાન કરેલું છે? ક્યારે ઉપદાન કર્યું તું વિમલાબેન? દો હો ગયે ગુરુજી, દો હો ગયે. हाँ, करना है, करना करना चाहिए चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, जरूर करना
कैसा आनंद आया? दूसरे उद्धव में ज्यादा आनंद आया, पहले में ज्यादा आनंद आया? दोनों में बहुत आनंद आया, पहले में तो बहुत ज्यादा आनंद आया। अच्छा, एक मन का सब कुछ सेटिस्फेक्शन हो गया कि जीवन में जो होना था वो मिल गया वैसा लगा। बराबर, नवकार मंत्र की दीक्षा मिल गई? मिल गई। मिल गई। कौन से गुरुदेव थे उपदान में? राजेश विजय जी थे आचार्य जी, बेन मारा साहब फर्स्ट में थे, सेकंड में जुनोत्तम श्री जी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आलोचना पूरी हो गई? हाँ, आराधना हो रही है मारे, थोड़ी अभी पोषित और बाकी है, अभी लॉकडाउन चल रहा ना तो वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। चलो, और किसी ने उपदान किया है? हमारे भक्त अमर हिलर कल्पना में उपदान करू छे, बाकी छे नथी करू? हिना बेन, अल्पा बेन उपदान बाकी छे બધાનું? તો પારુલ બેન સંઘવી ઉપદાન થઈ ગયું, હવે જલ્દી જલ્દી કરો। લતા બેને કરી લીધું છે, ક્યાં કર્યું લતા બેન ઉપદાન? માંડવી કચ્છમાં। શું વાત કરો છો? હા, રાજતિલક મહારાજ સાહેબ। હા, રાજતિલક મહારાજ સાહેબ ઘણા વર્ષો પહેલા 16માં વર્ષે કર્યું છે, નાની ઉંમરમાં। હા, ખૂબ ખૂબ અનુમોદન, ખૂબ ખૂબ અનુમોદન। અને કેટલા ઉપદાન દિયા છે? એક જ થયો છે, પછી હમણાં 2 વર્ષ પહેલા સિદ્ધિ તપ કર્યું હતું। ટોટલ કેટલા ઉપદાન હોય છે? 3। ઉપદાન કર્યું છે? નથી કર્યું। હા, કરવું પડશે કુમારપાળભાઈ, કરવાનું છે। હા, તમારા બાજુમાં કુંભોજગીરી છે, ત્યાં વારંવાર ઉપદાન થાય છે? અરિહંત પરમાત્મા મેરે દેવ હૈ, પંચ મહાવ્રત કા જો પાલન કરે વો મેરા ગુરુ હૈ, ઓર તીસરે નંબર કે અંદર ઇન દોનો કે ભાષિત સિર્ફ જૈન ધર્મ હી મેરા ધર્મ હૈ। इन त्रिपदी तीन वाक्य बोल करके ही सोना है। अरिहंत परमात्मा मेरे देव है, पंच महाव्रत जो धारी है वो मेरे गुरु है, और जैन धर्म ही मेरा धर्म है। तो जब कभी भी आपको कोई डराता है, धमकी देता है, परेशान करता है, अड़ोस पड़ोस में पैसा बढ़ जाए, ब्लैकमेल करे, ये करे वो करे, क्योंकि उपद्रवकारी व्यक्ति थी, आपको रक्षण मिलता है। दूसरे नंबर में नजर उतारना है, दुष्ट शक्तियों में से मुक्ति मिलना में प्राप्त करनी है, तो उस वक्त भी आपको ओम रीम श्रीम अरहम श्री मल्लिनाथाय नमो नमः। नैना जी सावला, तीन वाक्य फिर से एक बार बोल देता हूं। अरिहंत परमात्मा मेरे देव है, पंच महाव्रत धारी जो गुरु है वो मेरे गुरु है साधु भगवान, और जैन धर्म ही मेरा धर्म है। मुनि सूरत स्वामी जी भगवान, तो के मुनि सूरत स्वामी जी भगवान ये एक एक जब अभी आगे हम चातुर्मास में करेंगे, सब लोगों को अपने अपने नाम का पता होना चाहिए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य रहता है। तृप्ति जी गढ़ा, आपका नाम का मीनिंग क्या होता है? सेटिस्फेक्शन सर, आपको लाइफ में संतोष? हाँ, या बहुत है। सही में। चलो, बहुत नाम जैसा गुण हमारे साथ में है। तो ये एक एक तीर्थंकर भगवान का नाम वर्धमान क्यों पड़ा? शुभम जी जैन जवाब देंगे, हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान का नाम वर्धमान क्यों पड़ा? वर्धमान मुझे पता नहीं। चिंतन करो, कोई लॉजिक लगाओ अपने दिमाग से। आप रोज महावीर स्वामी जी की पूजा करते हो, तो भगवान की माता ने अपने बेटे का नाम वर्धमान क्यों रखा? अच्छा, आपका नाम शुभम है, शुभम का मीनिंग क्या होता है? अच्छे परिणामों वाला। आपको मिल रहा है? हाँ। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। जिग्ना बेन गांधी, भगवान का नाम वर्धमान क्यों रखा?
જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થયો તો ત્યારે બધી વસ્તુમાં વૃદ્ધિ થઈ હતી. બરાબર છે. અને મુનિસુરત સ્વામી ભગવાનનું નામ મુનિસુરત કેમ રાખ્યું? નથી ખબર. ભગવાન કે નામ કે પીછે હર ચીજ કા ઇતિહાસ જબ આપ જાન લેતે હો ના, જેસે દેખો ઇન્હોને ઇનકો કિતના આનંદ આયા કે ભગવાન કા જબ જન્મ હો રહા થા તો સારી ચીજે બઢને લગ ગઈ, ઇસકે લિયે પ્રભુ કા નામ વર્ધમાન રખા. ઉસી પ્રકાર સે મુનિ સુરત સ્વામીજી ભગવાન જો માતાએ હે, અબ અભી જો જો ભી સાસુમાં બન ચુકી હે ઉનકી બહોત જિમ્મેદારી બઢ ચુકી હે, બહુઓ કો બહોત ખ્યાલ રખો, બહોત પ્રેમ કરો. ક્યોંકિ મુનિ સુરત સ્વામીજી ભગવાન કી માતા જબ પ્રેગ્નેન્ટ બની, ગર્ભાવસ્થા જબ ધારણ કિયા, તબ ઉનકે મન કે અંદર રોજ એસે વિચાર આને લગ ગયે કે મેં બહોત સારે મુનિયો કો ભોજન વહરાઉં. મુનિ સુરત નામ રખને કે પીછે દો રીઝન હે. પહેલા રીઝન ઉનકો રોજ ઈચ્છા હો કે મેં બહોત સારે સાધુ સાધ્વી કો વહરાઉં, ઓર દૂસરા ઉનકો પ્રેગ્નેન્ટ હોતે હુએ ભી મન કે અંદર રોજ નયે નયે તપ કરને કી વ્રત કરને કી ઈચ્છા જાગ્રત હો રહી થી. આજ મેં નવકારસ્તી કરું, આજ મેં ધારણા વિગ્રહ પચકાણ કરું, આજ મેં એમ્બેલ કરું, આજ મેં ઉપવાસ કરું. તો કે ઇસી કે લિયે દોનો કા કોમ્બિનેશન કરતે હુએ મુનિયો કો દાન દેને કી ઈચ્છા ઓર અલગ અલગ પ્રકાર કે વ્રત કરને કી ઈચ્છા. ઇસી લિયે 20મેં તીર્થંકર ભગવાન કા નામ ક્યા રખા? મુનિ સુવ્રત સ્વામી ભગવાન. અબ જબી ભી મુનિ સુવ્રત સ્વામી ભગવાન કા આપકે સંગ કે અંદર હે યા મુનિ સુવ્રત સ્વામી ભગવાન કી પૂજા કરતે હો તો ઉસી ટાઈમ જૈસે કેસર કે અંદર અંગુલી બોલ કર રખો તો તુરંત ભાવ આના ચાહીએ કે આજ મેને ભગવાન કી પૂજા કી હે તો આજ મુજે કોઈ ને કોઈ મારા સાહેબજી કો વહોરાના હે. આજ મેને પૂજા કી હે તો આજ મુજે કોઈ ને કોઈ પચખાણ કરના હે. કુછ ભી નહીં હે તો ખાના ખાને કે લિયે આપ બેઠો તો એક ચીજ કા ત્યાગ કર દો, વો ભી એક વ્રતક પચખાણ હે. તો યશ કે અંદર કીર્તિ કે અંદર આપકો અભિવૃદ્ધિ કરના હે. સમાજ મેં કોઈ વ્યક્તિ આપકી વેલ્યુ નહીં કર રહા હે, આપકો સન્માન નહીં મિલ રહા હે ઓર આપકો ચાહતે હો કે મુજે બહોત સન્માન મિલે, તો ઉસકે લિયે સન્માન કે લિયે ઓર ડર લગ રહા હે. કોઈ ભી ચીજ સે આપ ડર ચુકે હે, મગજ મેં સે ડર જાને કા નામ નહીં લેતા હે, તો ઉસ વક્ત આપકો મુનિ સુરત સ્વામી ભગવાન. ઓમ રેમ શ્રીમ. કુંતુનાથ ભગવાન નું નામ કે બારે મેં અપન એક દિન એક આગે જો એક વિષય લેંગે જિસકે અંદર મુજે ભી 24 મેં સે કુછ કુછ ભગવાન કે નામ હી પતા હે, તો મેં ભી પૂરા સ્ટડી કરકે અપન આગે કે અંદર 24 ભગવાન કા નામ કેસે પડા. ઓર આજ એક આપકો મેં પ્રશ્ન દેતા હું, બરાબર નોટ પેન મેં આપ લિખ લીજીએ. સભી લોગો કો પતા હે કે ભાઈ અલગ અલગ ભગવાન કે અલગ અલગ લંચન હોતે હે, પતા હે સબ લોગો કો? ગીતાજી આપકો પતા હે સભી ભગવાન કે લંચન હોતે હે? હા, પતા હે. પાર્શ્વનાથ ભગવાન કા લંચન ક્યા હે? કોણ સે ભગવાન કા લંચન આપકો પતા હે? જો ભી ઇસમે સે કોઈ ભી એક ભગવાન કા લંચન પતા હે આપકો? નહીં પતા હે. વર્ષાબેન આદિનાથ ભગવાન નું લંચન કયું છે? બળદ. બળદ બાકી ખબર છે કે આયા? ના ના. હા, આદિનાથ ભગવાન નું લંચન બળદ છે. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાન નું? સાપ. મહાવીર સ્વામી ભગવાન નું? સર્પ. સર્પ. તો 24 તીર્થંકર ભગવાન કે સભી કે અલગ અલગ લંચન હોતે હે, બરાબર નોટ પેન મેં આપ લિખ લીજીએ. તો એ લંચન નક્કી કેસે કરતે, લંચન કોણ નક્કી કરતા હે કે ભાઈ આદિનાથ ભગવાન કા બેલ રખો, ઇસકા સર્પ રખો, ઇસકા હાથી રખો, ઇસકા ઘોડા રખો, તો લંચન કેસે નક્કી હોતા હે? એ કલ જવાબ લાના, બરાબર સભી લોગો કો? લંચન કે ઉપર ઇનકો શુભમજી કો પતા હે, બહોત બઢિયા, બહોત અચ્છી બાત હે. લેકિન ઇસકી ચર્ચા હમ કલ કરેંગે. કલ સભી કો બરાબર તપાસ કરકે રખના હે કે લંચન કેસે પડતે હે. લંચન કા ભી બહોત બડા શાસ્ત્ર હે, બહોત બડા સાયન્સ હે, બહોત બડા સંશોધન હે. તો લંચન ભી 24 તીર્થંકર ભગવાન કા આપ જબ જાન લેતે હો તો આપકો બહોત 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 ઉસકા પ્રભાવ દિખને કો લગ જાતા હે. તો મુનિ સુરત સ્વામીજી ભગવાન સર્વ પ્રકાર કે ભય કો હરણ કરતે હે. બોલો મુનિ સુરત સ્વામીજી ભગવાન કી બાત હો ગઈ. ઇસકે બાદ આતે નમીનાથ ભગવાન. 21વે નંબર ઓર 22વે નંબર મેં બહોત સારે લોગ કન્ફ્યુઝ હો જાતે હે, નમીનાથ ઓર નેમીનાથ.
तो के नमीनाथ भगवान जो है वो कसायों की तीव्रता घटाते हैं, जिनकी भी एक उम्र हो चुकी है 40 साल 50 साल, फिर आगे जा करके हम हमारे अद्भुत चरित्र के निर्माण हेतु नमीनाथ भगवान की विशेष 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 आराधना करनी चाहिए। हमारे तपोवन के अंदर खास करके नमीनाथ भगवान की आराधना के लिए भोयरे के अंदर अद्भुत वहां पर एक मंदिर बनाया था, उनका ध्यान बताया था, जिनको बहुत क्रोध हो जाता है। 4 प्रकार के महाकसाई है। बहुत सारे लोग फोन करके पूछते कि हम हमारा क्रोध के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। तो क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बोलो ध्यानी ने शू के पूछे बोल बड़ा लंचन आवड़े छे बोल अरे लंचन आवड़े छे बहुत सरस बड़ा भगवान ना आवड़े छे हां चलो बड़ा हमें सांभड़िए छे संभड़ाई दो बोल जल्दी बोलो बन्ने जा पहला ऋषभ देना जल्दी बोलो 16 દીકરીઓ ખૂબ સરસ ભણી રહી છે, વંદિતા સૂત્ર ની પણ જોરદાર આરાધના કરી રહી છે। કેટલી ગાથા બાકી રહી ગઈ છે ધ્યાની? ધ્યાની કેટલી ગાથા બાકી થઈ છે? આજે 45 સુધી બોલ્યા। ખુબ સરસ ખુબ સરસ ખુબ સરસ। ચલો એક વાર જોરદાર તાલી સાથે બંને દીકરીઓને ખુબ આ બંને દીકરીઓ શાસન ની જબરદસ્ત સેવા કરે। જો આટલી નાની દીકરીઓને 24 એ 24 ભગવાનના જે ખાસ કરીને લાંછન છે એને કળકળાટ બોલેલા છે, તો ખૂબ 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 અનુમોદના કરતા કરતા નેમિનાથ ભગવાનની આપણે બધા વાત કરી રહ્યા હતા। સ્વ અને પર કસાય, જેને પણ ક્રોધ બહોત જીસકો ભી ક્રોધ બહોત સતા રહા હૈ, જો ચાહતા હૈ કે અબ યાર બસ બહોત હો ગયા, યે ક્યા મેરા નેચર બન ગયા હૈ, છોટી છોટી બાતો મેં ચિડચિડાને લગ જાતા હું, छोटी छोटी बातें में मैं किसी की सुनता नहीं हूं। तो क्रोध नी ऊपर जेने काबू प्राप्त करवो छे, जेने अहंकार सतावे छे, मैं करा मेरी वजह से हो रहा है, तो कि उस अहंकार को दूर करना चाहते हो, एक बात समझ लेना कि जितनी बार आप मैं करते हो उतना ज्यादा आपको हाथी के भव में जन्म लेना पड़ता है। जिसको अहंकार सताता है उसका अगला जन्म हाथी है। क्रोध हो गया, मान हो गया, माया हो गई, क्योंकि माया का स्वरूप अभी जितनी भी महिलाएं हैं कोशिश करें कि जो है मन में वो बोल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी सत्य को आंच नहीं आती है। सत्य कमजोर हो सकता है लेकिन सत्य की जगत में आज तक कभी हार नहीं हुई है। तो ये बात हो गई। और क्रोध, काम क्रोध और अपनी इच्छाओं के ऊपर आप कंट्रोल करना चाहते हो,
तो उसके लिए भी भगवान नेमिनाथ परमात्मा की आराधना मंत्र जाप आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अरिष्ट नेमी भगवान 22वें अरिष्ट नेमी भगवान अमंगलों को, अमंगल तत्व को, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको कमजोर बनाने की, आपकी कमजोरी ही उनकी खुशी है। आप हार जाओ, आप टूट जाओ, आप पीछे चले जाओ, उसी से उनको आनंद आता है। और वो व्यक्ति का पीछा छुड़ाने का आप लाख प्रयत्न करते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो वहां पर आपको 22वें नंबर के भगवान ओम रीम श्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमो नमः। 23वें पार्श्वनाथ परमात्मा की भक्ति आराधना जाप ध्यान क्या करेंगे, क्योंकि दिशा कवच, ये भगवान बहुत जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान का एक रक्षा कवच है। तो जब आपको डर सताने लग जाए, जब आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि तो चारों तरफ से आप रक्षा कवच करना चाहते हो, तो वहां पर खास करके प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा आपको सपोर्ट करते हैं। अमंगल तत्वों को, बुरी आदत पड़ गई है, कहीं पर कभी कभी हम फिसक जाते हैं, हम भी संसारी है सब, हम सब लोग, तो कभी कोई अपने नहीं करने जैसा भी काम हो गया, अब आदत लगने लग गई, और उस वक्त न अपन परिवार को बता सकते हैं, और ये आदत में से छुटकारा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके प्रभाव में शास्त्र में लिखा है कि अमंगल तत्वों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और सबसे हमारे उपकारी प्रभु महावीर स्वामी भगवान, 24वें भगवान कौन से हैं, महावीर स्वामी जी परमात्मा, तो कि वो क्या करते हैं, तो कि वर्धमान, हीलिंग में वर्धमान, भक्ति में वर्धमान, प्रचार में वर्धमान, वर्धमान यानी वृद्धि, आत्म गुणों की वृद्धि, आत्मा के जो गुण है, क्षमा है, नम्रता है, सरलता है, भद्रिकता है, दान देना है, लोगों को सपोर्ट करना है, इसका आप बहुत बड़ा थे। कल ही मुझे पूना से फोन आया, इतना आनंद आता है कि हमारा एक भक्त अमर इलर, जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लाखों करोड़ों दृष्टांत अलग 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 लोगों के बताते थे, कल ही उन्होंने चातुर्मास रिन्यू कराया और उन्होंने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आज दिन तक प्रत्येक दिन उन्होंने 100 लोगों को भोजन कराया है। क्या मैं बोल रहा हूं, सब ध्यान से सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन 100 लोगों को भोजन कराने का सामर्थ्य और कराया, और आगे कई और जबरदस्त कार्य वो एनजीओ के माध्यम से स्वयं करने जा रहे हैं। तो सामर्थ्य सबके अंदर है, पैसा सबके अंदर है, खाली उसको प्रगतिकरण करना है, वृद्धि करना है, खाली आप भाव करो कि मुझे ये सेवा का कार्य करना है, ऑटोमेटिक आसपास इर्द गिर्द सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सब लोगों ने 24 जिनेश्वर भगवान की अद्भुत महिमा जानी, समझी, लिखी, उसमें जो जो भी चीज आपको लगे भाई मुझे जरूरी है, वो सब चीजें आपको बराबर ले लेना है। खास करके 2 चीज लिख दीजिए, हमारे सारे जो इंडिया के बाहर के भक्तामर इलर है, उनके लगातार अथाक प्रयत्न के बाद ये पूरा हमारा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर सब लोग ध्यान दे दीजिए कि जितने भी जो हमारे खास NRI लोग हैं उनको ही ग्रुप में जोड़ना है, और बाकी सब लोगों के लिए मैंने फेसबुक के ऊपर हमारी दूसरी एक लिंक डाल दी है। तो ये हमारे खास करके रेखा बेन और लता बेन, ये दोनों को नंबर आप देख रहे हैं, आपके परिचित में कोई अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जो जो भी लोग हैं, तुरंत ये नंबर के ऊपर आप हाई लिख करके भेजेंगे तो हमारा पूरा भक्तामर NRI परिवार के अंदर आपको ज्वाइन कर देंगे। कल से ये पूरी तरह से शाम को 5:30 बजे, क्योंकि इंडिया में जब 5:30 बजेगा तो अफ्रीका के अंदर दोपहर में 3 बजेगा, जो भी चोवियार करते हैं उन लोगों को चोवियार ही करना है, उनको क्लास में ज्वाइंट नहीं होना है। जिन्होंने भी सीख लिया है उनको रिपीट करना है तो स्वयं रिपीट कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर में जिन्होंने भी नए नए कोर्स अभी बहुत सारे लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कराया है, तो उन सभी के लिए भक्तांबर हीलिंग Level 1 शुरुआत कहाँ से करें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो कल से वो अद्भुत शुरुआत होने जा रही है। तो उसमें आप सभी लोगों को खास 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 जुड़ना है, समझना है, सीखना है,
तो इन सभी के अंदर इंडिया वाले जितने भी हो गए उनके लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप बना दिया है। वैसे तो एप्लीकेशन से सारी नोटिफिकेशन, सारी आराधना सब कुछ आपके पास आ ही रही है, तो वो सारी चीजें आपके पास आती रहेगी और आगे हम नई नई चीजों को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया आप कल एक नोट ला देना जिसके अंदर बहुत सारी बातें मैं आपको लिखाने वाला हूँ। अब आखिरी के अंदर आज मैं आपको जो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ टिप्स लिखी थी, लेकिन समय बहुत हो चुका है, कागज पर हम सब साइड में रख दीजिए। एक अद्भुत मेडिटेशन, जिन जिन लोगों के पास माला है, जिन जिन लोगों ने अभी तक अपनी मंत्र जाप की माला अभिमंत्रित नहीं करवाई है, उन सभी लोगों का भी अद्भुत कार्यक्रम इसके अंदर होगा। मंदिर शुद्धिकरण का भी इसके अंदर कार्यक्रम होगा। गुरु को कैसे नक्की करें, गुरु को कैसे पहचाने, तो गुरु पद की स्थापना भी खास करके इसके अंदर होगी। और रोज प्रश्नोत्तरी, हर दो दिन में प्रश्नोत्तरी होगी, क्योंकि एकदम पक्का हो जाए भक्तामर हीलिंग। तो अभी से आप एप्लीकेशन को बराबर अपडेट कर दीजिए और इस कोर्स में सीखने वाले सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो खास 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 आप सभी लोग बराबर अंतर मन से रोमे रोम के अंदर भक्तामर हीलिंग को सीखे, पढ़े, जाने, आपके परिचित में जितने भी लोग हैं उन सभी को इस साधना के अंदर जोड़े। बराबर ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। आज हम हमारे परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, हमारे घर के अंदर जितने भी प्रभावशाली चीजें हैं, जितने भी कॉर्नर है, उन सभी को पूरी तरह से शुद्धिकरण करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ। अद्भुत ये जो मंगलकारी प्रार्थना है, उस प्रार्थना के साथ में अणु अणु के अंदर, घर के अंदर जितने भी कॉर्नर है, वो सारे कॉर्नरों को देखते हुए, समझते हुए, उन सभी जगह पे अनंत 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 ऊर्जा पहुंच रही है, वो सारी ऊर्जा सकारात्मक हो रही है। आप जो जो भी लोग को जानते हो, समझते हो, यदि वो धर्म नहीं कर रहे उनको आप धर्म में लाना चाहते हो, धर्म करते हो तो धर्म का एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहते हो, और अंत में आप किन के साथ मोक्ष में जाना चाहते हो। इस भव में तो आपने आपके पति को बहुत प्रेम किया, आपका पति आपका बहुत सम्मान कर रहा है, आपका बेटा के साथ आपका बहुत लगाव है, आपके भाई के साथ लगाव है, आप अपने माता पिता का ऋण अदा करना चुकाना चाहते हो, तो मैं मेरे माता पिता के साथ मोक्ष में जा रहा हूँ। सभी लोग आंखें बंद कर दीजिए, कमर से टट्टार, एकदम अच्छी जगह के ऊपर बैठते हुए गहरी गहरी सांसों को लेते हुए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अद्भुत एवं हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज जी का ध्यान करते हुए मेरे आसपास के अंदर गहरी सांस लीजिए, गहरी सांसों को छोड़िए। सांसों को ऊपर अभ्यास करते हुए खास करके महामंगलकारी अद्भुत विधान के अंदर सभी की आंखें बंद, अनंत परमात्मा आपके भीतर के अंदर प्रवेश करता है और सभी को सब भूत सजग धीरे धीरे बोलता है। आपके भीतर में से ठंडी ठंडी हवा, एक अद्भुत प्रभात ऊर्जा आपके घर के अंदर पूरा कर रहा है। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थावो। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थावो। सर्वे जीवो मोक्षे जावो, अर्हम तपो। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अर्हम मैया अमर तपो। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल था। परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।
हम मैया अमर तपो सर्वे जीवो मोक्षे जाओ कर हम मैया अमर तपो वहाँ पर हम सभी को जाना है, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को लेकर जाना है। शांत बनो परमाणु शिव बनी जाओ अणु परमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्वनु मंगल थावो सर्वे जीवो मोक्षे जाओ पर हम सर्वे जीवो मोक्षे जाओ अरहम मैयामर तपो अणु परमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्वनु मंगल थाओ परमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्वनु मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ पर हम मैया अमर तपो सर्वे जीवो अरे हम मैया अमर तपो अणु परमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्वनु धीरे 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 नमन करता करता बन्ने हाथों ने घसता घसता ऊर्जा नु निर्माण करता करता अधून वड़े आखा ब्रह्मांड नी अंदर सर्वत्र जग्याए प्रसन्नता आनंद मंगल किलोल प्रसराई रहो छे अने किशोर किलोल ना कारणे सर्वत्र एक जगह पर लोको प्रसन्नता नी अनुभूति करी रहा छे सर्व व्यक्तिओ शिव बनी रहा छे सर्व व्यक्तिओ भक्त बनी रहा छे। वारंवार वारंवार छोटी छोटी प्रार्थना अणु परमाणु शिव बनी जाओ आखा विश्वनु मंगल थाओ बारंबार बारंबार बोलते बोलते सभी का कल्याण हो सभी का मंगल हो। और इसी भावधारा के साथ में यही जूम की आईडी रहेगी बराबर 15 दिन तक कंटिन्यू सोम से शुक्र तक। और इसी के अंदर कल शाम से 5:30 बजे से हम भक्तामर हीलिंग लेवल 1 का विशिष्टतम अभ्यास करेंगे साधना करेंगे और ये साधना करते करते अनंत कर्मों का क्षय हो कर्म का भुक्ता बोलाए आप सभी लोगों का सर्व मनोवांछित कार्य परिपूर्ण हो यही भावधारा के साथ जिनाग्नि कुछ भी बोला गया हो मन वचन गाया करी इच्छामि दुक्कड़म। आज का जो मैंने प्रश्न पूछा है वो बराबर आप सभी लोग लेसन करके कल हम सभी लोग मिल गए बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। हंसा बेन बोलो शु केवु छे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माडा छे ने ओम पद्म पार्श्व मुनि सुरताय रिम नमः रोज गणी सकी आपणे रोज गणी सकाय बेन हाजी रोज गणी सको चलो प्रणाम दत्ता बेन छे दत्ता बागानी बोलो लता जी शू केवु छे।
અનમ્યુટ થઈ જાઓ. પ્રણામ. પ્રણામ. ભોજપત્ર પે મેને લખવા હે મંત્ર જો આપને દિયા થા. देखिए अभी रात को 8 बजे तक पुष्य नक्षत्र चल रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसमें अक्षर डाले हो ना. हाँ डाले हुए हैं. तो अभी भी जिनका भी बाकी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो खींच के भेजे हैं, अभी मैं फेसबुक पे डाल दूंगा. रियल में बहुत महाप्रभावशाली यंत्र है. यंत्र को आप रखिए और खूब आपकी प्रगति हो. आपके द्वारा खूब 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 जैन शासन के कार्य निर्माण हो, यही भावधारा के साथ. अभी मंदिर में रखना है, पूजा स्थान में रखना है, पाकिट में रखना है, ये मोस्टली अपने ये अपनी ऑफिस पे रखना है. बराबर है. चलो सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र. नीलम बेन छे हैं. नीलम बेन, नीलम कोचर, नीलम जी कोचर. बोलो नीलम बेन. नीलम जी अनम्यूट थई जाओ. हां जय जिनेंद्र. आपकी आवाज आ रही, बताइए. हाँ बस बहुत अच्छा है. मैंने शंख रखा है मंदिर में और उसको वो मंत्र लिख के रखा है, शंख के साथ रखा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत प्रणाम, अभ्यास करते रहिए. बराबर है गुरु जी. बोलो बेन. ये अभी लिख सकते है क्या मंत्र? 8 बजे तक अपना चलेगा. पुष्य नक्षत्र रात को 8 बजे तक है. थैंक यू जितेंद्र. चलो साता में रहना. प्रणाम जय जिनेन्द्र. बोलो हर्षा बेन. हर्षा अश्विन मेहता. हाँ मैं आवी रीते लख्यो छे. तो आ बराबर छे के नथी? हल्दी थी लख्यो ना? बरा एकदम बराबर छे बेन. हाँ खूब सरस छे. हल्दी थी लख्यो छे? हाँ सरस सरस जोरदार एकदम. अने पछी आनी केटली कॉपी એટલે કોપી કઢાવીએ તો હળદર વાળું નો આવે ને? જેટલી કોપી કઢાવે બધા લખવા પડે. આજે લખી ના હોય પછી આપકો. હા આજે લખી શકાશે. હો ઓકે ઓકે. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. ચલો શ્રદ્ધાને પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ આગળ વધીશું અને બધા આપણે બધા ઉપાધિના 50 કુલ બધા શીખી લેજો. બરાબર. ચલો પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર.